संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, न्यूयॉर्क, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये विशेष बैठक थी जो संयुक्त अरब अमीरात की गुजारिश पर बुलाई गई थी। गाजा पट्टी पर इजराइल का कहर 2 महीने से जारी था। संयुक्त अरब अमीरात चाहता था कि इंसानियत के वास्ते इजराइल को तुरंत युद्ध विराम के लिए निर्देश दिया जाए। इस प्रस्ताव को रूस का समर्थन था, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बैठक से ईरान का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। प्रस्ताव यूएई का था, चीन और रूस उसके समर्थन में थे। ये बात इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने 2 दिन बाद 10 दिसंबर 2023 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन लगाया। करीब 50 मिनट तक नेतन्याहू ने राष्ट्रपति पुतिन को उलाहना दिया। वो इस बात पर भड़ास निकालते रहे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस भला ईरान की भाषा में क्यों बात कर रहा था। इसराइल की सरकार ने इस बारे में जो बयान जारी किया उसमें खास तौर पर इसका जिक्र किया गया कि रूस और ईरान की दोस्ती खतरनाक है। सरसरी तौर पर यही लगा कि नेतन्याहू इस मामले में बेवजह ईरान को घसीट रहे हैं, लेकिन इतिहास की सच्चाई यही है कि पश्चिम एशिया में पिछले 100 साल में जब भी महाशक्तियों का टकराव हुआ तब मोहरा ईरान को ही बनाया गया। ১৯১৭ की क्रांति के बाद जब रूस में जारशाही खत्म हुई और सोवियत संघ अस्तित्व में आया तो सोवियत संघ का पहला प्रहार ईरान पर ही हुआ। साल 1920 में ईरान कुछ समय तक सोवियत संघ के कब्जे में भी रहा, जिसे समर्थन देने वाले अजरी कबीले के लोग बाद में अजरबैजान बनाकर सोवियत संघ में शामिल हो गए। ২৮ নভেম্বর से 1 দিসেম্বর ১৯৪৩, তেহরান, ইরান। दूसरे विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला बोला तो सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जर्मनी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए तेहरान पहुंचे। उस वक्त ईरान के कुछ हिस्सों पर ब्रिटेन और बाकी पर सोवियत संघ का कब्जा था। ईरान से मोहम्मद रजा पहलावी का तख्ता पलट ही ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मिलकर किया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध में भी ईरान को मोहरा बनाया गया। ১৯৫১ में ईरान के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मोसादेक का झुकाव सोवियत संघ की ओर था, लिहाजा अमेरिका और ब्रिटेन ने 1953 में उनका तख्ता पलट करा दिया। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद 10 साल तक अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की ईरान से दूरी बनी रही, लेकिन उसके बाद ईरान और रूस की रणनीतिक दोस्ती बढ़ती चली गई। दरअसल पश्चिम एशिया में तेल का बड़ा भंडार है जो या तो सुन्नी बहुल देशों के पास है या फिर शिया बहुल ईरान और सीरिया में। तेल के इसी खेल का बड़ा खिलाड़ी ईरान है, जिसके साथ अमेरिका और रूस 70 साल से दोस्ती दुश्मनी का दांव बदल बदल कर आजमाते रहे हैं। ईरान जब अमेरिका के पाले में था तब रूस उसका दुश्मन था। उस दौर में सोवियत संघ दिल खोल कर इराक और मिस्र को हथियार देता था। फिर ईरान की अमेरिका से दुश्मनी शुरू हुई तो रूस ने ईरान से दोस्ती निभानी शुरू कर दी। सबको मालूम है कि यह रिश्ता मजबूरी है, लेकिन अमेरिका यूरोप ने जो रणनीति अपनाई उसने रूस ईरान चीन की मजबूरी वाली दोस्ती को मजबूत कर दिया।